लाहौर के अलहमरा हॉल में कंसर्ट के दौरान भगदड़ से तालिबात की अमवात ने हर एक को अफसरदा कर दिया। वाकये के बाद इंतजामिया के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता पंजाब असेंबली ने तालीमी इदारों में ही कंसर्ट्स पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। मुल्क भर के सकाफती हलकों ने सूबाई असेंबली के इकदाम को तनकीद का निशाना बनाया। शदीद रद्देअमल के बाद अरकान को भी गलती का एहसास हुआ और नई करारदाद के जरिए मौसीकी के प्रोग्राम पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया गया। गैर निसाबी सरगर्मियों, सकाफती, मिल्ली और अदबी प्रोग्रामों पर किसी भी किस्म की पाबंदी ना हो। नामवर गुलकारों समेत मुख्तलिफ तबकों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। आज सानू वधिया खबर मिली है कि एक करारदाद मंजूर हो चुकी है कि असी कॉन्सर्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये करारदाद पेश की है उन्होंने भी एडमिट किया है कि बाद में उनको शायद समझ आई है कि कोई इतना शायद बेहतर चीज़ नहीं हुई और पब्लिक ओपिनियन इतनी स्ट्रॉन्ग आई है इसके अगेंस्ट कि अब वो उनको दोबारा करारदाद एक और जो मंजूर हुई है पंजाब असेंबली में और जिसमें इसको ख़त्म किया गया है, तो मैं समझता हूँ बड़ी ही खुशाइंद बात है। परफॉर्मिंग आर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि नौजवानों को अपनी सकाफत से रोशनास करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब असेंबली का फैसला सकाफती तरवीज और बका के लिए अहम कदम साबित होगा। आसिम भट्ट, डॉन न्यूज़, लाहौर।